और ये जो रूट है ये सीधे सीधा दंतेवाड़ा जाती है, तो हम भी पढ़ लो मेडिकल कॉलेज करके लिखा हुआ जगदलपुर। इतने ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे उतना ज़्यादा हम सुरक्षित रहेंगे। और चावल के साथ रहेगा कि चिकन हल्का से नीचे उतरना है भाई, मज़ा। हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोल पे, फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं तीरथगढ़ के लिए। अभी फिलहाल जगदलपुर में हूँ और एक दिन और रुकना पड़ेगा जगदलपुर में, क्योंकि कल हम लोग केस काल के लिए भी निकल पड़ेंगे। तो अभी का जो जर्नी है वो तीरथगढ़ के लिए, तीरथगढ़ वाटरफॉल। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, और भी अगर आप लोग जानते हैं कि बस्तर में कहाँ कहाँ पे वाटरफॉल बनता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो निकलते हैं, आज हम यहाँ से जाएंगे। हर बार सीधा सीधा जाते हैं, लेकिन आज इस साइड से जाएंगे हैं महारानी हॉस्पिटल। अच्छा खासा हॉस्पिटल है। अब ये सरकारी है प्राइवेट है क्या है पता नहीं। अभी सुबह के माहौल देखिए आप लोग जगदलपुर का, इडली डोसा सांभर सब रोड किनारे में देखने को मिलेंगे। आई तेरी, खाने का मन कर जा रहा है भाई, लेकिन मैं अभी नहीं खा पाऊंगा, अभी जस्ट मैंने दवाई खाया है। थिएटर है ये, और एक से एक पेड़ पौधे फूल के आए हैं। और ये है संजय मार्केट, और मेन मार्केट इस साइड में ही है, तो अपने को इधर चलना है, सीधा सीधा चलना है अपने को। तो ये वाली जो रूट है ये चित्रकूट लेके जाती है, यहीं से हम लोग गए थे चित्रकूट, और यहाँ से आकर गए थे। और ये जो रूट है ये सीधा सीधा दंतेवाड़ा जाती है, तो दंतेवाड़ा वाली रूट पर है तीरथगढ़ वाटरफॉल। इधर भी दुकान लगना स्टार्ट हो गया है, इडली डोसा गॉगल्स के। इस साइड जाएंगे तो अपना बस स्टैंड पड़ता है, ये गुरुद्वारा चौक है, सीधा चलेंगे तो दंतेवाड़ा। तो ये देखो यहाँ पे मारुति सुजुकी का शोरूम है। इस रोड में बड़े बड़े शोरूम देखने को मिलेंगे। सूर्या कॉलेज ये नया बना रहा है ना, नया बन रहा है भाई ये सूर्या कॉलेज, क्या बात है। महेंद्रा, ओ भाई साहब तरक्की में है भाई जगदलपुर। हाँ, खूबसूरत सा रूट है ये, रोड को ढक दिया पेड़ों ने, एक नंबर। बैल गाड़ी बहुत कम देखने को मिलता आज के डेट में, जब से ट्रैक्टर आ गया है। तो ये देखो कितना बड़ा ये हॉस्पिटल बन रहा है, अभी बना नहीं है, प्रोसेस चालू है। और रहने के लिए भी 1 BHK 2 BHK फ्लैट बन रहे हैं। और इस साइड भी देखो बहुत बड़ा एरिया में ये फैला हुआ, जैसे अपना एम्स है ना उसी कैटेगरी पे ये बना हुआ है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। और इसका नाम भी पढ़ लो मेडिकल कॉलेज करके लिखा हुआ जगदलपुर, यही है मेडिकल कॉलेज, बहुत बड़े एरिया में भाई। बहुत अच्छी बात है कि जगदलपुर में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, और इधर भी बहुत सारे दुकानें खाने पीने की। ये देखो आपको वही फीलिंग आएगी अपना एम्स जैसा। इस तो आपको कहीं मुड़ना नहीं है, बस सीधा सीधा इस रोड पर आना है। आने के बाद में यहाँ भी एक होटल है, ये देखो सुंदर सा होटल है, जहाँ पे आप ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, और कहीं मुड़ना नहीं है, बता रहा हूँ यहाँ से मुड़ना है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तीरथगढ़ जलप्रपात सुकमा, तो ये सुकमा लेके जाती है ये वाली रूट। और यहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं खाने पीने के, तो यहाँ पे आपको भोजन वगैरह मिल जाएंगे अगर आप नाश्ता नहीं करना चाहते हैं। और एक ट्रेन की पटरी सामने में नज़र आ रही है, तो बस सीधा सीधा ही चलना, ट्रेन की पटरी है, जैसे कि जगदलपुर में रेलवे स्टेशन है। तो सिटी का ब्लॉग देखना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सुकमा लेके जाती भाई ये वाली रूट, सुकमा भी जाने हैं अपने को। रोड देखने को मिलेगा यहाँ पे जाते हुए, लेकिन अपने को इधर नहीं जाना है, सीधे ही चलना है। घाटी जैसा बना हुआ है इसलिए कांगेर घाटी बोलते हैं। ये देखो पूरा मोड़ ही मोड़ है, खूबसूरत सा नज़ारा भी देखने को मिलेगा आपको, हरे भरे पेड़ पौधे, जो भाई आँखों को एकदम सुकून देता है। तो ये है कांगेर वैली, जहाँ पे हमने व्लॉग बनाए हैं, लेकिन अभी बंद होगा लगता है, पता नहीं जाते होंगे। तीरथगढ़ के लिए ये है कुटुम्ब सर गुफा, वही है।
ये देखो बोर्ड पे लिखा है तीरथगढ़ जलप्रपात 6 किलोमीटर है पहुंच मार्ग। ओ हो हो क्या खूबसूरत, शब्द नहीं मेरे पास में। ऐसे हम लोग अमरकंटक गए थे, वहाँ भी एकदम फॉगी फॉग था और मज़ा आ गया था भाई वहाँ पे। लेकिन पता नहीं वो वीडियो को ज़्यादा लोग देखे ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ फिर से एक बार अमरकंटक चलेंगे तो और अच्छे से व्लॉग बनाऊँगा आप सभी के लिए, तो उसको अच्छा सा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। बाकी हम सब तीनों चारों घूम रहे हैं बस्तर में। गाइस तो ये देखिए कांगेर नाला, क्या बोलते हैं इसको, कांगेर नाला, हाँ। तो ये देख लो भाई, हमारे बस्तरिया भाई बतला रहे हैं पानी ही पानी भरा हुआ है, लबालब पानी है। गहराई तो हो गई, सही बात है। इस साइड भी नज़ारे देख लो आप लोग, एक नंबर भाई, एक नंबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन भाई ये है नेचर हमारे बस्तर का, इसलिए लोग खींचे चले आते हैं इस नेचर को देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तभी तो, और यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं इस नेचर को बचा कर रखे हुए हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे उतना ज़्यादा हम सुरक्षित रहेंगे और हमारा आने वाला कल सुरक्षित रहेगा। गाइस तो ये है तीरथगढ़ जलप्रपात, जो आप लोगों को मैं यहीं से दिखला रहा हूँ। ओ भाई साहब, बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है तीरथगढ़ जलप्रपात। यहीं से उतरेंगे, नज़ारे तो यहाँ से भी अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे पूरा घेरा मार के रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ से कोई ना जाए करके, और पूरा जंगल झाड़ी एरिया है ये। और यही है गाइस, ये जो नाला आपको दिख रहा ना, इसी का पानी जा रहा है, तीरथगढ़ वाटरफॉल बना रहा है। ये देखो भाई, सही है, यही है जो वाटरफॉल बना रहा है तीरथगढ़। इधर से पानी आ रही है, ये देखो यहाँ से पानी आ रही है। पता नहीं है कहाँ से आ रहा पानी है भाई, पता ही नहीं है अपने को। तो जहाँ से भी आ रहा हो तीरथगढ़ वाटरफॉल यही बना रहा है। और वेदर देखिए भाई, ऐसा लग रहा है कुछ ही क्षण में बारिश हो जाएगा। क्या खूबसूरत नेचर, आइड साइड में पूरे खेत खलियान है। वैसे तो वाटरफॉल जाने के लिए यानी कि तीरथगढ़ जाने के लिए अपने को सीधा नहीं जाना है, यहाँ से मुड़ जाना है। 1.5 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1.5 किलोमीटर अंदर जाना है। यहाँ पर टिकट लिया जा रहा है, टिकट चार्जेस क्या है देखते हैं। बाइक का 20 रुपये चार्जेस लिया गया है। गाइस तो ये देखो, ये है पार्किंग स्थल, तो अपने को बाइक वगैरह सब यहीं पे पार्क करना पड़ेगा। तभी मैं पहुंच चुका हूं तीरथगढ़ वाटरफॉल के पास में, और हमने यहां पे गाड़ी पार्क कर दिया है। अंदर हम लेके जा नहीं सकते अपनी बाइक को, कार वगैरह भी पीछे साइड में है। देखो बस में भी बहुत सारे लोग आए हैं, और यहां पे बहुत सारे शॉप भी हैं जहां पे आप खाना पीना कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों को ये वाली रूट से अंदर जाना है। यहां पे देखिए खाना बन रहा है, चिकन, बांस में चिकन बनता है। हां, बांस में चिकन बनेगा अभी। और कितना इसका प्राइस क्या है? इसे 350 रुपये आधा के जी। आधा के जी, और चावल के साथ रहेगा कि चिकन? हल्का से चावल डाल दूंगा यहाँ, बिरयानी बन जाएगा। अच्छा, बिरयानी खा के देखेंगे, ट्राई करेंगे आते समय। तो है ना, अरे यार मन कर जाता भाई ऐसा फिर दोबारा कहाँ मिलेगा मौका। गाइस तो अभी देखो बारिश भी स्टार्ट हो गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। बहुत तेज़ बारिश, सामान जी उधर खड़े हैं गाइस। लेकिन मेरा ना खाने का मन कर रहा है, मतलब कि ऐसा मैं वीडियो में देखा करता था, देख रहे हो बांस के बम्बू, इसमें चिकन और थोड़ा सा चावल डाल के बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। ऐसे अपने जीवन में कभी मैंने खाया नहीं है, तो देखते हैं, दमाल से पूछते हैं, उसके बाद फिर खाने का कोशिश करेंगे। मन कर गया था, लेकिन मैं सबको पूछा तो मना किए कि नहीं अभी नहीं खाएंगे करके, तो मैं भी कैंसिल कर दिया। पिकनिक मनाना मना है करके बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है, और यहाँ भी टिकट लगता होगा लगता है कांगेर वैली का। हाँ, टिकट बनाना पड़ेगा, इस चीज़ का टिकट लगेगा। यहाँ पे इतने सारे शॉप हैं ये देखिए, और अभी बारिश हो रहा है करके सब ढक के रखे अपने दुकान को, कुछ कुछ बस शॉप खुले हैं। और यूनिक चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं तीरथगढ़ में, जो आपको बहुत
पसंद भी आएगा, आप देख सकते हैं। और इस साइड भी दुकानें हैं खाने पीने के, काफ़ी कुछ है। और तीरथगढ़ वाटरफॉल के लिए हम लोगों को इधर जाना है, तो यहाँ से अपने को सीढ़ी के थ्रू नीचे उतरना पड़ेगा तीरथगढ़ जलप्रपात के लिए। गाइस तो इस सीढ़ी के थ्रू नीचे उतरते हैं हम लोग, और हम चारों फिर से पहुँच चुके हैं तीरथगढ़ जलप्रपात के पास में। ये देखो और भाई वाटरफॉल का आवाज़ यहीं से सुनाई दे रहा है हमने को, भाई खेर यहाँ से नज़र आ रहा भाई। सही है भाई, एक जगह एक नंबर, जितनी इसकी तारीफ करो उतनी कम है। अभी तो नीचे बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। ओ भाई यहाँ से हल्का सा देखिए नज़ारे, तो हम लोग नीचे उतर रहे हैं। ओ भाई साहब बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है भाई वाटरफॉल। चलो गाइस ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, आराम से आप उतर सकते हैं, वहाँ चढ़ते समय ही दिक्कत हो सकता है। क्या बात है भाई, तीरथगढ़ जलप्रपात भाई साहब, फर्स्ट टाइम मैं बरसात के समय में आया हूँ आप लोगों को दिखलाने के लिए, और नज़ारे देखिए आप लोग। अभी हम लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं, उतरते उतरते ही देख रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग भाई पानी का पत्ते जा रहे हैं यहाँ पे, और ये है वाटरफॉल नीचे, सब नहा रहे हैं। पूरा नज़ारा देखो, और अभी हम लोगों को फिर नीचे उतरना है भाई, मज़ा आएगा आपको तीरथगढ़ जलप्रपात अपने चरण में है भाई। नस्तरिया भाई तो नीचे पहुंच चुके हैं, द्विवेदी भी देख रहे हो सब यहीं पे खड़े हैं। ओ भाई साहब गाइस ये देखिए सब यहाँ पे खड़े हैं नहाने के लिए, वेट कर रहे हैं, वाटरफॉल को निहार भी रहे हैं, इतने सारे पब्लिक है यहाँ पे। ओ भाई साहब क्या नज़ारे हैं भाई तीरथगढ़ जलप्रपात के, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। बेहद ही खूबसूरत नज़ारे, और यहाँ भी एक वाटरफॉल बनता है, इसके नीचे भी एक वाटरफॉल बनता है। थोड़ा पास करके आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, इस साइड भी एक वाटरफॉल बनता है। देखो भाई यहाँ पे तीन चार वाटरफॉल बनते हैं। हम लोग जब गर्मी के दिनों में आए थे ना तो गए थे पूरा नीचे, अभी तो जाना बहुत मुश्किल है। बाकी ये नज़ारे आप लोग देखिए, इसी को देखने के लिए इतने दूर दराज से लोग आते हैं भाई। फुल पैसा वसूल नज़ारा है, फुल पैसा वसूल नज़ारा है। और यहाँ पे आंटी अंकल सब नहा वहा रहे हैं, तो मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही होगी, बट क्या कर सकते हैं भाई, वाटरफॉल का जो पानी है और उसका जो आवाज़ें हैं बहुत तेज हैं। ये देखो बहुत छीटे उड़ रहे हैं उस साइड, हवा उस साइड की ना की है। और यहाँ भी देखो पूरा भर गया पानी, यहीं पे लोग बैठ के स्नान कर रहे हैं। वाह यार एक नंबर है, एक नंबर। तो चलो गाइस अभी हम लोग इधर चलते हैं। भाई तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ जहाँ पर मुझे आना चाहिए था, और यहाँ से पूरे नज़ारे आप लोगों को मैं दिखला रहा हूँ। बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं वाटरफॉल के, इस साइड भी नीचे साइड भी वाटरफॉल बनता है, और सबसे ज़्यादा जो बहाव है उस साइड में है जहाँ पे हवा के थ्रू उड़ रही है पानी।
यहाँ से भी पूरा नज़ारा आप लोग देखिए। वाह यार, पूरे पैसे हमारे वसूल हो गए, जो भी पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं ये वाटरफॉल पे। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप लोगों को एक झलक दिखलाते हैं। यहाँ पे छींटे आ रहे हैं पानी के। ओहो क्या बात है भाई साहब, मतलब कि बंदा यहाँ पे खड़ा रहा 15 मिनट में गीला हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त छींटे आ रहे हैं। यहाँ से भी आप लोगों को दिखलाता हूँ, ये है नीचे जाने का रास्ता, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है तो अपन नीचे तो जा नहीं सकते। ओ भाई साहब क्या छींटे आ रहे भाई साहब,